अब श्रद्धा शब्द है, एक पंजाब के अंदर एक गांव है फिल्लौर, कभी सुना हुआ? फिल्लौर गांव के अंदर एक महात्मा हुए थे श्रद्धानंद नाम के, जिन्होंने इस आरती की रचना की है। लास्ट में आकर के उन्होंने अपना श्रद्धानंद श्रद्धा नाम लगा दिया है। हृदय में प्रेम जगाओ परमात्मा के प्रति, संतों के चरणों से नेह प्रेम करो, फिर वह परमात्मा पति हमको प्राप्त हो जाएगा। आरती में से निकाला, मैंने कहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, आरती का अर्थ है ये। एक एक आरती, ये आरती की एक एक पंक्ति एक एक दिन ले लो, चार घंटे उसी पर कथा सुनो, बड़ा आनंद आता है। अब गौकर्ण महाराज ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, तुमने लगन से कथा को नहीं सुना था इसलिए तुम्हारे लिए विमान नहीं आया। अब श्रावण मासी गौकर्ण कथा मूचे तथा पुनः, श्रावण का महीना आया, दोबारा से भागवत कथा का आयोजन किया गया, सब श्रोता कथा श्रवण करने के लिए पधारे। अब श्रोता बोले, आपस में बोले, पहले गलती हो गई थी, पहले तो कथा सुनते सुनते मोबाइल भी सुनते थे, ये मोबाइल जो होता है ये कलयुग का भतीजा है, पूरी कथा का फजी कर देता है फजीता, कलयुग की एक भतीजी भी है, एक भतीजा भी है, क्या नाम है उसका, मोबाइल, मन नहीं लगने देता, और एक भतीजी भी है, वह भी आक्रमण कथा में करती है, जिसका नाम है निद्रा देवी, घर में नींद नहीं आवेगी, पलंग पर बढ़िया पलंग गद्देदार एसी चल रहा होगा, नींद नहीं आवेगी, गोली खानी पड़ती है, एल्प्रेक्स लेनी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती, और यहाँ आकर के बैठे, अरे साहब बिल्कुल वासी आनी शुरू हो जाती। कलयुग की भतीजी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी, प्रभु श्री राम ने जिसको आशीर्वाद दे रखा है, जहां मेरी कथा हो वहां चली जाना, लेकिन बीच बीच में मेरे नाम की ध्वनि होने लगे, मेरे नाम की जय जयकार होने लगे, तुमको भागना भी पड़ेगा। अब निद्रा देवी आ तो जाती है प्रभु की कथा में, जैसे बीच बीच में जय जय हो तो नेत्र खुल जावे और भाग जावे, बोलो जय श्री कृष्ण। सब कथा श्रवण करने के लिए आए, कथा का विराम हुआ, सबने मन लगा करके श्रवण की कथा, सबके लिए विमान आए, श्रोता के लिए अलग, वक्ता के लिए अलग, और अंत में जाकर के तो भागवत जी के बारे में लिखा है, आख्यान में तत् परमं पवित्रम सुतम सकल देविदे गोवाम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं वा। इस भागवत की कथा जो परम पावन है, इस कथा का जो रसपान करता है, श्रुतम सकद्दे विददे यघोगम, उसके सुनते इसके साथ ही सारे अघमाने पाप नष्ट हो जाते हैं। श्राद्धे प्रयुक्तम, और श्राद्ध पक्ष में इस भागवत जो श्रवण करते हैं, वैसे तो पूरी भागवत का सार ही ऐसा है, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृ तृप्तम आवये, उसके पितृ हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। नित्यम सुपाठाद पुनर्भवं वा, और नित्य पाठ करने की तो बात ही अलग है, भागवत जी का जिस घर में नित्य पाठ होता हो, भागवत ग्रंथ जिस घर के अंदर रखा हो, वह तीर्थ से कम नहीं है, तीर्थ है जहां भागवत जी विराजमान है, जिस घर के अंदर भागवत जी का नित्य पाठ होता है वह तीर्थ बन जाता है। पाप नाशनम, पाप भी कांपता है, पाप का नाश हो जाता है। पांच अध्याय में भागवत कथा की महिमा सुनाई, छठवें अध्याय में नारद जी के आग्रह करने पर सनत कुमारों ने कथा श्रवण की विधि बताई,
कथा श्रवण की विधि क्या है, ये नहीं है आधा घंटे कथा सुन ली, 10 मिनट उधर चाय पकौड़ी चल रही उधर चले गए, थोड़ा घूम ले 4 घंटे कौन बैठे, पंडित जी को तो दक्षिणा मिले, हम क्यों बैठे 4 घंटा। बोले जब कथा कराने का मन में भाव आए तो किसी विद्वान से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए, वैसे भगवान की कथा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव, चंद्रबल सूर्यबल विद्याबल जितने भी बल हैं, जब भागवत जी विराजमान हो जाती हैं ना वो सब बल अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। भागवत साक्षात्कार में परमात्मा कृष्ण स्वयं प्रवही विराजे शब्द अक्षर छंद बन करके, क्यों जी जहां भगवान आ जाएं अपवित्र समय भी पवित्र हो जाता है। स्वयं प्रवही विराजे शब्द अक्षर छंद बन करके, शरण में आ गया जो भी किनारे पर लगाती है, भागवत भक्त रस में डूब कर रहना सिखाती है, दरस मुरली मनोहर की मधुर छवके कराती है, काम और क्रोध की ज्वाला ने जिनके दिल जलाए हैं, काम और क्रोध की ज्वाला ने जिनके दिल जलाए हैं, उन्हें में सरस शीतल ज्ञान की गंगा बहाई है, भागवत भक्त रस में डूब कर रहना सिखाती है, दरस मुरली मनोहर की मधुर छवके कराती है।